50,000 वाला मोबाइल, 20,000 का, 30,000 वाला मोबाइल, 15,000 का। तो अस्सलामुअलैकुम भाइयों, तो आज की वीडियो जो है बहुत ही अहम वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको बहुत सारी मालूमात मिलने वाली है जो भी हमारे इल्म में है। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है जो YouTube पे या दुकानों पे जो भी है, यानी कि हर किसी इस फ्रॉड में ना जाइए भाईजान। जो नॉन PDF प्रूफ होता है मोबाइल, वो इस रकम में मिलता है। तो हम आपको इसका वजह बता दें कि जो नॉन PDF प्रूफ होता है उसके साथ वो जो कैसे होता है, यानी नॉन PDF प्रूफ होता है वो अगले मुल्क में, जैसे अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, उसमें यूज़ करते हैं, फिर दोबारा रीचेंज करके उसमें डब्बे में डाल के फिर उसको पाकिस्तान में भेजते हैं, समझ गए। तो फिर वो आपको सस्ता मिलता है इधर, तो वो डब्बा पैक नहीं होता और वो नॉन PTA भी नहीं होता। अगर हाँ वो PTA होता ही है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे तो वो जो उसका नंबर वगैरह चला जाएगा दोबारा। कोई तो सिम नहीं चलाते, हाँ कोई चलाते रहते हैं, एक साल दो साल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, उसका EMI कोड जो होता है ना, EMI कोड, वो उसका चोरी किया गया होता है, वो बिल्कुल मोबाइल जो है ख़त्म हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। हाँ अगर आप अपना जो है टैक्स भर के किसी बाहर मुल्क से मंगवा रहे हैं तो उसका टैक्स अदा करते हैं तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं, तो वो ऑफिशियल PTA हो जाता है, आपका प्रूफ हो जाता है। यानी बाकी नॉन कस्टम जो मोबाइल है आजकल, ये सस्ते वाले 30,000 का, 15,000 का मिल रहा है, ये हरगिज़ भी ना ले भाइयों। आपको सारा देंगे, चार्जिंग डब्बा वगैरह, हेडफोन, सब चीज़ें देंगे मोबाइल के साथ, बिल्कुल। हाँ मिलती हैं, दूसरी मिलती है, डुप्लीकेट मिलती हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगी भाई, वो बिल्कुल फ्रॉड होता है, बिल्कुल दो नंबरी है। ओरिजिनल चीज़ ले, बिल्कुल PTA ऑफिशियल जो है PTA हो वो लें, बाकी दो नंबर चीज़ ना लें और अपना ख्याल रखें। तो आज की आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, मैंने बहुत ही मेहनत से जो है बना के ये डाली है YouTube पे वीडियो, तो मेहरबानी करके एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जो भी चीज़ पूछनी हो भाई को कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका भाई जवाब ज़रूर देगा। आपका प्यारा भाई शाहिद अली, अस्सलामुअलैकुम।